भाई भाई अभय के पास लाना, ये भी इंसुलिन लगाता था हमारे भाई। मैंने इसको घणे दिनों से कहा, इनके दादाजी चौधरी साहब, बड़े चौटाला साहब, चौधरी देवीलाल जी, वो हमारे गुरुकुल में हमारे गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे। तीन पीढ़ी हो गई, तीन तो क्या, इनकी चार पीढ़ी हो गई, चौधरी देवीलाल जी, फिर ओम प्रकाश चौटाला साहब, फिर ये अजय अभय भाई, ये पूरा परिवार, इनके बच्चे, ये चार पीढ़ियों से जुड़े। मैं इनको मिला, मैंने कहा भाई शुगर की दवाई इंसुलिन लेता है तेरी छूट जाएगी, मेरे पास आ जा। ये मतलब प्यार में हम लोग ना हरियाणा में तू तड़ा करके ऐसे बोल लेते मैंने कहा भाई तेरी शुगर मैं ठीक कर दूंगा, मेरे पास आ जा। बोले स्वामी जी ये तो मुश्किल है, लोग तो यूं कहे छूटती नहीं। मैंने कहा जो लोग कहते हैं, जमाना कहता है, मैं उसके विपरीत कहता हूं। क्या हाल है भाई? अबे भाई मैं स्वामी जी से अनेक बार मिला, मेरा जैसा इन्होंने बताया कि किस तरह का रिश्ता है हमारा चार पीढ़ियों से, अब चार नहीं पांचवी पीढ़ी भी आने वाली है जी। और जब भी मैं मिलता था तो मैं बहुत खुल के इनसे बात करता था और कहता था कि संभव नहीं है, डायबिटीज कहते हैं कि खत्म नहीं होती जड़ से, सारे डॉक्टर यही बोल रहे हैं। मुझे दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों से मैं मिला और सब जगह जहाँ भी गया सब जगह मुझे एक ही आंसर था कि आप सैर करो, एक्सरसाइज करो और उसके साथ साथ जरूरत पड़े तो मेडिसिन भी लो। हालत ऐसी होगी कि आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन से मैं इंसुलिन पे आ गया और इंसुलिन भी दिन में दो वक्त लेने लग गया। दो वक्त के इंसुलिन से मुझे लगने लगा कि शायद मेरी उम्र कम होती जा रही है और मुझे जो जिम्मेवारियां निभानी है वो मैं अब ठीक ढंग से नहीं निभा पाऊंगा। तो मेरा मन हुआ कि मैं स्वामी जी के पास जाऊं और मैं स्वामी जी के पास आया। आते ही डॉक्टर ने मुझे पहले दिन ही कहा कि आज से आप कोई मेडिसिन नहीं लेंगे। मुझे बहुत हैरानी हुई, मैंने कहा ये कैसे संभव है, मेडिसिन नहीं लूँगा, मेरी शुगर बढ़ जाएगी, मुझे तकलीफ होगी। लेकिन मैंने पहले दिन मेडिसिन नहीं ली, केवल इंसुलिन लिया, उससे मेरी डायबिटीज जो है कंट्रोल में रही। नेक्स्ट डे मैंने एक वक्त का इंसुलिन जो इवनिंग का था उसकी डोज आधी कर दी और उससे अगले दिन मैंने सारी इंसुलिन जो है वो भी बंद कर दी, सारी मेडिसिन भी बंद कर दी। अभी सुबह सुबह भी चेक करके आया हूँ, आज भी मेरी 92 थी। 92 है और इंसुलिन दोनों टाइम का, दोनों टाइम की खत्म है और दवाई भी बंद, कोई मेडिसिन नहीं और आयुर्वेद की भी दवाई नहीं ले रहा, मधुनाशिनी मधुग्रीन भी नहीं ले रहा। मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप हमारे वाली जरूर ले, मैंने कहा नहीं मैं दवाई छोड़ने आया हूँ, दवाई लेने नहीं आया। आज पूरी इंसुलिन बंद हुई, दिन कितने में भाई? अब आज मुझे पांचवा दिन है, मात्र पांच दिन का ही कमाल है, पांच दिन में बिल्कुल। और सारा देश जो है चौटाला परिवार को सारी दुनिया जाने और ये इतने मतलब मुंह फट आदमी है, फायदा नहीं होता ना तो पांच दिन में बोलो बाबा तेरे योग भी देख ले, कुछ ना रखा, क्यों बावड़ा बना रहा लोगों ने, यूं बोलता है यही अबे भाई जो मेरे से आज यूं बोल रहा है कि छूट गई ये अब। और यहाँ बहुत सारे लोगों से मिला हूं, मेरी आदत है जो भी कोई मेरे साथ बैठता है, मेरे साथ कोई एक्सरसाइज कर रहा है या मेरे साथ कोई जाकर के कोई आपका ट्रीटमेंट ले रहा है तो मैं उनसे जरूर बात करता हूँ, पूछता हूँ कहाँ से आए हो, कब आए। मुझे महाराष्ट्र के बहुत लोग मिले, मुझे बहुत हैरानी हुई कि महाराष्ट्र में इतने अच्छे अच्छे योग के सेंटर बने हुए हैं, उसके बावजूद भी लोग जो हैं यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में आए। और मैंने जब उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हमें जो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट मिलता है, जिस तरह से यहाँ पे योग कराया जाता है, ये और कहीं पे भी नहीं, हमने सब जगह जा करके देखा, बड़े बड़े लोग मिले थे, लेकिन जो यहाँ पे शकुन है, जो यहाँ पे इलाज है वो कहीं नहीं है। मैं तो कल ही बाबा जी से कह रहा था कि मैं मेरे पूरे परिवार के सदस्यों को भी एक बार आपके यहाँ पे ला के एक हफ्ता छोड़ना चाहता हूँ, उनको भी आप ठीक कर दें, धन्यवाद। और वेट भी तो कम किया, वो भी तो बता। वेट 3 किलो वेट कम हुआ है मेरा चार दिन में मैं ये ठान के आया हूँ कि 10 किलो कम करके जाऊंगा, शायद ये मुझे पहले निकाल ना दे और कमर दर्द भी ठीक हो गया, वो भी भयंकर थी, वो भी ज्यादा था, काफी आराम है पहले 20-25% पहले से काफी आराम है। हाँ, वो भी ठीक पहले से काफी आराम है। तो ये एक साथ एक साथ शुगर, वेट, कमर,
एक साथ कई बीमारी। ये गुड़िया कुछ कहना चाह रही है बेटा? ओम बाबा।